हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी रेसिपीज में। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी करारा चटपटा नाश्ता जो कि आलू रवा और चावल के आटे से बना है। ये बनाना आसान है और ये बहुत टेस्टी लगता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज आलू, तो मैं इन्हें छील रही हूँ। अगर आपको आलू स्किन के साथ यानी इसके ऊपर जो छिलका है इसके साथ पसंद है तो आप अच्छे से आलू को धो लें और उसी के साथ आप आलू को स्लाइस कर सकते हैं। वैसे मुझे तो पसंद है, पर सोचा चलो आज छील कर बनाया जाए। आलू मीडियम थिक होना चाहिए, मतलब एकदम पतला चिप्स की तरह नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मोटा रखें। इतना मोटा कि शैलो फ्राइंग में पक भी जाए लेकिन बहुत ज़्यादा चिप्स की तरह पतला भी नहीं हो, ताकि पकने के बाद एकदम लूज सा पड़ जाए। तो इन्हें मैं पानी में डाल रही हूँ। एक बार धोकर आप इसे दूसरे बोल में निकाल लें। अब इसके बाद बारी है मज़ेदार मसालों की और इन आलुओं को टेस्टी बनाने की। तो सबसे पहले आधा नींबू का रस यानी छोटे साइज का नींबू, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला या फिर आपका कोई भी फेवरेट मसाला, फिर हल्दी और लाल मिर्च। तो अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा तीखा बनाएं, इसे मज़ेदार लगता है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। अदरक लहसुन के पेस्ट से ना ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी लगती है डिश। अच्छे से आलू को मसाले में कोट करने के बाद 15 मिनट तक रख दें। फिर एक प्लेट लें जिसमें 1/4 कप सूजी यानी रवा लें बारीक वाला, 1/4 कप चावल का आटा और स्वाद अनुसार नमक। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। अब एक एक कर हमें आलूओं को अच्छे से इस सूखे मिक्सचर में कोट करना है, तो अपने हाथों से अपनी उंगलियों से ऐसे दबाते हुए अच्छे से आप कोट कर लें आलूओं को। ये जो चावल का आटा और रवा है ना, इससे जो ये डिश है ये बहुत ही करारी क्रिस्पी बनेगी। इसे अब रख देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। शैलो फ्राइंग के लिए एक तवा ले लिया, फिर एक पैन और उसमें डाले थोड़ा सा तेल। अब इन आलूओं को आप इनिशियली लो से मीडियम के बीच में या थोड़ा सा लो की तरफ ही पकाएं, ताकि ये आलू पक जाएं। और एक बार आलू पकने लगे ना, इसके बाद थोड़ी सी फ्लेम आप बढ़ा सकते हैं। तब तक ये काफ़ी हद तक वैसे भी क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी और ब्राउनिंग भी इन्हें मिल जाएगी। शुरुआत में ही तेज आँच ना रखें, वरना केवल ब्राउन हो जाएंगे, पकेंगे नहीं। मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। ये देखिए, करारे क्रिस्पी ऑयली भी नहीं है, बहुत टेस्टी है। और अदरक लहसुन के पेस्ट से तो भाई क्या बात आई है इनमें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, चाय के समय, किसी भी वक्त, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आलू ऐसी एक कमाल की चीज़ है ना, जो किसी भी तरीके से खाओ तो अच्छी ही लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।